चलो चलो पैर थोड़े छूने इस बार आओके आदू आदू को बुला लेती हूँ आदू के हाथ से पी लेना पानी वानी गुड मॉर्निंग गाइस नित्या टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है और सुबह सुबह उठ चुके हैं रात को लेट सो के अब तो आदत सी हो गई है हमको ऐसे जीने में तो दो घंटे सो के उठे जाते हैं बट खैर आज क्योंकि आज व्रत है मानसी का हो ही माता का तो मेरे को मेरा काम था फिर से वही क्या नाम प्लेट रेडी करने का प्लेट यहाँ पर रेडी हो गई है ये देख लो फेनिया एप्पल ये मिठाइयों की खोई की काजू हो गए और मट्ठी और अचार प्लेट रेडी होने से इसके मानसी के खुद के रेडी होने से पहले प्लेट रेडी हो गई है ये लो जी मैं भी रेडी ऐसे कैसे रेडी हो बेटा तो और क्या करना है मैंने नहा धो ली कपड़े पे पहन लिए पकड़ो करवा चौथ का लेकिन अलग ही होता है चूड़ियां वूड़ियां पहन लो आज मैं खा नहीं रहा हाँ पहन ले मेरे को आप भी खाओगे आज मेरा आज मन भी नहीं है खाने का और बाकी फिर खाया होता है मैं आपको साथ देने के लिए बैठ सकता हूँ आपके आप शेयर भी कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है कि नहीं मेरे को आज नहीं शेयर करना अब मैं थोड़ा सा जो मतलब ये कभी कभी तो चलता है इतना बट रोज रोज डाइट नहीं ऐसे कर सकते ना बट ये व्रत थोड़ा सा मतलब इजी क्या बोलूँ मैं ये मतलब इसमें वेट नहीं करना होता चांद का तारे जो होते हैं वो जल्दी निकल आते हैं तारों से स्टार्ट होता है ये व्रत और तारों पे खत्म हो जाता है मतलब समझ लो इसमें तो तारे तो वैसे आए थे 7 बजे पूजा कर लेते हैं ऐसे उसमें तो ऐसा होता है ना कि पूजा करने के बाद आप फिर पूरा वेट करते रहते हो इसमें हम 7 बजे पूरे 7 बजे मतलब खुद की प्रिपरेशन ना हो तो अलग बात है वरना 7 बजे पूजा करके देन तारों को जो हम चांद को अर्क देते हैं वो तारों को अर्क दे के फिर खाओ पियो ऐश करो मित्रों नहा धो के रेडी हो गए हैं और आज जो कूपन का जो सीन है वो मेरे को पता है मेरे को खुद से याद है कि ऐसा कोई सीन वीन होने वाला है आज तो मैंने आज खुद से आके बोल दिया ऐसा नहीं कि भाई मैं बैठ के इग्नोर कर रहा हूँ और मैं याद ना दिलाऊं क्योंकि मानसी का फास्ट है ना आज तो हो सकता है उसको याद ना हो हाँ जी याद है आपको हाँ हाँ बिल्कुल याद है क्या याद है कि आज आप काम करेंगे क्या काम करने हैं मेरे को बता दो सारे काम करने हैं आपने जैसे कि जैसे इस बच्चे को सुंदर बनाने का सारे काम मैं इसको नहला देती हूँ इसके लिए आप ब्रेकफास्ट तैयार करिए छोटे बच्चे के लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ना एक बात बताऊँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करके बैठा हूँ ओह क्या तैयारी करी आपने ब्रेकफास्ट की मैं ऑलरेडी इसके परौंठी के लिए आटा गूंथ चुका हूँ अगर आटा अगर परौंठी नहीं खानी तो बेसन का चीला भी हैव एन ऑप्शन अगर वो भी नहीं खाना तो फिर वी हैव फेनिया इन ऑप्शन अगर वो खानी चाहे तो खाई नहीं है तो मैंने 3-4 ऑप्शंस दिए हैं उसको ना ठीक है तो हम ऐसे मतलब अच्छे से काम करेंगे ऐसे नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ओके ये बन गया पूरा बन रहा है अभी बस बताओ तो सही गाइस को ये क्या है गाइस आदू को ना स्कूल का एक वो मिला था उसको मॉडल बनाना था अल्फाबेट्स को लेके तो ए से एच तक तो हमने अल्फाबेट व्हील बनाया है जिसमें आदू ऐसे इसको चला के दिखाएगी ए फॉर एलिगेटर ए फॉर एप्पल मतलब दिक्कत क्या हो रही है ना कि इन्होंने जैसे मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ ना बाइंडर लगा रही हूँ तो ये तो ऐसे निकल जाएगा तो इसको वो तो पतला पेज है ना जो फोटो पेपर होगा वो नहीं निकलेगा ये तो पतला पेज है ना पर तो A4 ही लगेगा मतलब बट या तो उसको इधर कॉर्नर किया जाए मतलब जब भी जहाँ भी ऐसे लगाएंगे ना कॉर्नर में तो ये ऐसे क्लिप निकल जाएगा ऐसे नहीं ना इसके पीछे ना एक प्लास्टिक की वो लगाएंगे ट्रांसपेरेंट अच्छा समझिए वो उससे हो जाएगा ये काम आदू आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है पीनट बटर खत्म हो गया पहली बात तो नया मंगवाना है 3 ऑप्शन है आपके पास परौंठी खानी है नहीं। बेसन का चीला खाना है नहीं। फेनिया खानी है नहीं। तो क्या खाना है फिर तो जब मैंने पहले पूछा था तो मैंने फारसी में बोला था तुमने सिखा रखा है क्या आज के दिन में कि ये इसके काम कर रहे थे उसे तंग कर जबरदस्ती पागल है क्या अपना चेला सिखा के भेजा तूने अपना गुर्गा भेजा क्या मेरे लिए सिखा के तूने मैं तो कुछ नहीं आ तू ग्रीन वाली बेटा ब्लू रोटी कैसे बनेगी उसमें क्या जहर डाल दूं मैं हाँ। कैसे बनेगी वैसे ब्लू रोटी कोई आइडिया किस चीज से बन सकती है ब्लू तो नहीं बन सकती ब्लूबेरी डाल दूं उसमें हाँ गोल्डन बन जाएगी
ठीक है, ब्राउन बेटा बोलते हैं आसानी से बन जाएगी, नहीं गोल्डन बन जाएगी, गोल्डन या ब्लैक खा लो आज, बहुत मस्त बन जाएगी। ब्लैक तो नहीं बनेगी, तो बन सकती है ना अगर वो ब्लैक मांगे तो, मिंट तो जलाना ही है वो तो। कह रही हूं ब्लैक ग्रेप्स डाल दूं। दिस इज अ लॉजिकल आंसर। ये बन गई है रोटी, थोड़ी सी शेप मैं स्क्वायर बनानी चाह रहा था, पर ये कौन सा ट्रेपीजियम बन गया है, बट इट्स ओके, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। रोटी आ गई आपकी, ये क्या कर रहे हो बेटा? आदू कैसी है रोटी? टुक टुक टुक, ये कौन सी शेप की रोटी मानी जाएगी आज? स्क्वायर मानी जाएगी। जे पता है इसकी शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम है पापा के प्यार की रोटी। क्या नाम है रोटी का बोलो? ये देखो, पहले बोलो पापा के, हाँ पहले बोलो पापा के प्यार की रोटी है ये, प्यार की रोटी है। हाँ, इसीलिए इसकी शेप ऐसी है। ये पापा ने ऐसे लिखा है PYAR, प्यार, समझे? सो गाइस, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे वाउचर का दुरुपयोग हो रहा है, और जितना फायदा मुझे मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा, तो अब टाइम आ गया कि थोड़ी सख्ती करी जाए। नितांशु सर, हेलो, आज के लिए आपका नाम कुछ रख दे। नितांशु सर सूट नहीं कर रहा काम कराते हुए, रामू काका टाइप समथिंग, ऐसे ऐसे क्लैप कर। कुछ लेटेस्ट सर देखो, आपको अगर मेरे को आज जैसे नो वर्क है तो किचन यू कैन नॉट लीव लाइक दिस, नो नो सर, सर सर नॉट डन, सर यू हैव टू क्लीन इट। अभी कर देता हूँ, ठीक है सर। एंड और आप अभी क्या कर रहे हो ना, एक काम कर रहे हो और चार मुझसे करवा रहे हो, तो आपको थोड़ा उसमें लेना पड़ेगा आप, ठीक है? अंदर आ जाइए आप, जल्दी से ये समेट के विद इन खा लो पहले, डफ लो पहले। एक तो तेरे को देख देख के भूख लग रही है यार, पता नहीं यार मेरे साथ ना, पता करवा चौथ वाले दिन तो मेरे को पता भी नहीं चल रहा था, बट आज पता नहीं थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है शायद इस वजह से, और प्यास लग रही है मेरे को, ऐसे लग रहा है कि पानी पी लूं, बट पता नहीं ऐसे, वैसे पिछले आज तक अभी ऐसे हुआ नहीं है, हो सकता ज़्यादा बोल रही हूँ मैं या सिर दर्द हो रहा है शायद इस वजह से, तो मेरे को आज प्यास लग रही है, मुझे लग रहा है और एक घंटे में ना मैं बेड पर लेटने वाली हूँ, बस मैं सोने वाली हूँ थोड़ी देर। सर आप, एक तो सर निकल रहा है मुँह से यार, अपना नाम बताओ, कुछ नाम बताओ अपना। हाँ अरे भाई, नाम हम क्या बिगाड़ने की बात नहीं, नाम नहीं बिगाड़ेगा। चलो आप प्लीज ये कंप्लीट करके प्लीज अंदर आ जाइएगा। तो गाइस, आदू नादो के हो गई है रेडी, और आदू अपना खेल रही है, किससे खेल रहे हो आज आप? पापा जॉर्ज। और कौन कौन है आपके पास? बिल्कुल छोटे बच्चे करते हैं ना, पापा पे ये बोल रहे, उनकी आवाज निकाल के खुद ही बातें करेगी आशिकल की। और गाइज, मैं जरा भैया जो रखे थे हमने आज काम पे, उनको जरा फिर से याद दिला देती हूँ। भैया, ओ भैया, आपको बुलाया गया था। ये भैया बहुत कामचोर भैया मिले हैं मुझे। ए भैया, अरे भैया, नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, किस बात की सैलरी ले रहे हो भैया आप? हाँ याद, यही तो, अरे सर अब आप फंस गए, सर अब आप फंस गए, कह रहे आप मेरा काम आप करोगे, देखो यही तो काम करना था ना, ये तो आपको वाउचर देने से पहले सोचना चाहिए था। मैं भी तो दोनों चीजें ऐसे करती हूँ ना, घर का भी काम और यहाँ का भी काम, तो आपको भी कैसे करना पड़ेगा, वाउचर किस लिए था सर? आपका जो घर का काम है उस पर भी कोई बोलने वाला नहीं है, और आपका जो ऑफिस वाला काम है, मतलब जो अपना काम है, उस पर भी कोई बोलने वाला नहीं है, पर मेरा जो काम है उस पर मेरे ऊपर बोलने वाले हैं, मैं उनको ये नहीं कह सकता आज मैं बीवी का नौकर बना हूँ। आपको वाउचर देने से पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन में लगाना था ना कि वाउचर एप्लीकेबल ओनली ऑन संडे, यही तो टर्म्स एंड कंडीशन ही तो रहेगी मेरी लगानी है। सो गाइस, कपड़े आपको दिख रहे हैं चेंज हो गए हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक शूट का वर्क करना था तो वो कंप्लीट करा है, और अब हम वापस आ गए हैं अपने आदू का जो प्रोजेक्ट है, तो मैं ना फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं ये A4 साइज कलर शीट्स है ना प्रिंटर में डालने की, मेरे को तो लग रहा है डर, इस प्राणी को पूरा विश्वास है कि प्रिंटर प्रिंट कर देगा, अगर प्रिंटर में फंस गई शीट्स तो नहीं फंसेगी, फोटो जो फोटो पेपर पे फोटो निकालते हो वाला पेपर इससे मोटा है पक्का। हाँ तो गाइस, ये प्राणी, ये प्राणी कर रहा है, और ये था जो अभी शूट किया है ना, जिसके लिए कपड़े बदले गए हैं सूट से, इसमें आया गया है,
मैं ऐसे एक वीडियो में ना ऐसे छोटा बेबी बन गया, छोटा बेबी क्या 10th क्लास का बच्चा बनी हूँ मैंने, मैं सोच रही दो चोटियां कर लूँ, इनका ज्यादा मजाक बन जाएगा। तो खैर अभी वो शूट जब वीडियो डलेगी तो आप लोग भी जाके देखना, और जो खासकर 10th के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे 10th 9th वगैरह में, उनको वो वीडियो दिखाना, थोड़ी सी ऐसे मोटिवेशन वीडियो ताकि बच्चे पढ़ाई कर लें। तो गाइस शाम हो गई है, 7 बज गए हैं और सुबह से लगे हुए हैं काम करने में, मैं सुबह 11:30 बजे से लगा हुआ हूँ, 7 बज गए, जरा सी फुर्सत नहीं मिली उठने की भी। और ये पकड़ो आदू, सुनो इधर इधर आओ मेरी बात सुनो, मम्मा ना रेडी हो रही है, तो ये मम्मा को देते हैं हम चल के, चलो ये दोनों हाथों से पकड़ो, चलो मम्मा के पास लेके चलो, ऐसे और लेके चलो और मम्मा को बोलो थैंक यू मम्मा आपने मेरे लिए फास्ट रखा ये भी। अरे क्या गिरा रहे हो बेटा, पकड़ो ये सारे एक साथ पकड़ो, चलो बोलो थैंक यू मम्मा आपने मेरे लिए फास्ट रखा, थैंक यू आदू यू आर वेलकम। किसने सिखाया आपको? ये सुर्ख लाल रंग में तैयार हो गई, तो जब आपके लिए तैयार हो तो अपनी बेटी के लिए दिखाओ ना, फिर आगे आ जाओ थोड़ा सा, इधर लाइट आती है ना, इधर लाइट आती है ना, आगे आ जाओ। चलो तो मम्मा कैसी लग रही है ये तो बता दो, अच्छी लग रही दोनों रेड रेड। उस दिन मैंने आपके लिए रेड पहना था, आज मैंने अपनी बेटी के लिए पहना है, वेरी गुड, पूरी रेड लाइट लग रही है। ये कार्यक्रम किसने कराया? मैंने ही कहा था, मेरे पास लेके आई थी। आप तो बहुत प्यारे बेबी हो, अब कितने बजे खोलना है? मैं हाल में रखूं बेटा, शादी है मेरी। हाँ कितने बजे खोलना है? बस 7 बजे पूजा करने चल रहे हैं। पूजा पहले होती है ना? और क्या, बस पूजा करके फिर मंदिर जाएंगे। आप चलोगे मेरे साथ मंदिर? पूजा होगी फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर जाने के बाद अपना जो है क्या नाम है, फिर उसके बाद खाना पीना खाएंगे बढ़िया। सो गाइज मेरा आज का दिन थोड़ा वो हो गया, मेरा वाउचर रह गया, क्योंकि आज के दिन ना मुझे लगता है आदू जो नोनू के बॉस है ना वो भी हमारे व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता चल गया कि मैंने अपना वाउचर रिडीम किया है, तो उन्होंने भर भर के आज काम करा लिया इससे। तो चलो खैर कोई बात नहीं, फिर किसी दिन कर लेंगे कुछ। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे सर? बस यही है कि अगर अभी भी आज दिन बचे, देखो 7 बजे अभी, आप बताओ काम हो गया। मेरा तो ऐसा प्लान था ऐसे सेठानी की तरह मैं लेट जाऊंगी और फिर आप करोगे पूरा दिन काम करके, आप क्या अब बचा है? खाना बना आप डाल के दे सकते हो। गाइस ये निकल गया एक तारा, ये सामने दिख गया, ये एक तारा निकला यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से नीचे देख के, चलो चलो पैर थोड़ी छूने इस बार आपके, आदू आदू को बुला लेती हूं, आदू के हाथ से पी लेना पानी वानी जो पीना है, पिला दो जरा मम्मा को, पानी पिला दो, मम्मा ने सुबह से पानी नहीं पिया है, पिला दो, ये गर्मी मुंह पे लगा दो मम्मा की, पिला दो क्या? थैंक यू, आपको पीना है इसमें से, ले लो आप भी पी लो, चलो वेरी गुड, ठीक है आपका व्रत था, लाओ पारी करो, आई लव यू। चलो 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 गाइस रात के बज गए 10:30, लगते हैं ब्लॉग को एंड करने, लगे हैं ब्लॉग को एंड करने, क्योंकि आज सोएंगे टाइम से, आज सो जाएंगे और अपना कल आदू को स्कूल भी जाना है, सॉरी, और जो हमारा कूपन वाला नहीं हो पाया आज वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये तो नहीं बताया आपने मेरे को, तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अट्टा सट्टा जो गाइस ब्लॉग देखने के लिए आपके शुक्रिया की जय। और जो गाइस होते हैं क्या होते हैं जल्दी बता दो गाइस को। गाइस होते हैं वो वेरी गुड बेटा, गलती करा रहे इसको, चार्ट से पढ़ाई करा रहे हम लोग, ज्यादा ही।